First of all, I thank you to the Synergy Hospital and especially Dr. Praveen Mittal. The problem was my grandmother. मतलब वो चल नहीं पाती थी, बिल्कुल भी नहीं. और वो इस वजह से चल नहीं पाती थी क्योंकि वो गांव में एक्चुअली घास काटते टाइम उनके पांव कट गया था. और इट इज वेरी शार्प एन एज, मतलब वो बहुत गहरे से कट गया था. तो शी वॉज नॉट एबल टू वॉक, मतलब चल नहीं पाती थी वो. तो हमने बहुत सारी जगह दिखाया था उनको. इनफैक्ट मैंने रिस्पेक्टेड हॉस्पिटल भी दिखाया था. तो उन्होंने कहा था कि आप चल नहीं पाओगे. तो उसके बाद हमने सजेस्ट किया था कि आप देहरादून आ जाइए. और हमने फिर उसके बाद सिनर्जी हॉस्पिटल आए और डॉक्टर प्रवीण मित्तल जी से मिले थे. उन्होंने हमसे सिर्फ एक ही बात कही थी, आप होप रखिए सब कुछ अच्छा होगा. और उन्होंने ऑपरेशन करा और ऑपरेशन होने के टाइम पे उन्होंने हमारी बहुत केयर की. आई थैंकफुल टू द ऑल द नर्सिंग स्टाफ ऑफ द सिनर्जी हॉस्पिटल. उन्होंने काफी हेल्प की और डॉक्टर के साथ उनके सब ऑर्डिनेट्स वगैरह जूनियर डॉक्टर एंड असिस्टेंट्स हैं, उन्होंने भी काफी टेक केयर की. उन्होंने हमेशा कहा कि आपको एवरी 15 डेज यू शुड कम ऑन अ हॉस्पिटल फॉर अ रिव्यू. आपको रिव्यू के लिए आना ही पड़ेगा और हम आपकी कंसर्न करेंगे कि आगे क्या करना है. तो हम एवरी 15 डेज के बाद आने के बाद अराउंड 3 मंथ्स के बाद मेरी दादी जी चल पा रही हैं. बिल्कुल डेफिनेटली बिल्कुल हल्का सा पेन तो होता ही है, इतनी सीरियस इंजरीज में पेन हो रहा है, लेकिन शी वॉज एबल टू वॉक बिल्कुल डेफिनेटली. एंड मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा आप सभी को, मतलब डॉक्टर्स एंड स्टाफ्स एंड ऑल अदर फैकल्टीज ऑफ द सिनर्जी हॉस्पिटल. सो तो मैं आप सबको एक एक बात कहना चाहूंगा, जिनके पाँव में चोट लगी है स्पेशली लिगामेंट्स रिलेटेड, लाइक लिगामेंट्स मतलब जॉइंट लिगामेंट्स जो इधर की साइड होते हैं, इधर की साइड होते हैं, इन सब एरिया में इसमें लैगिंग में, तो आप सबको सजेस्ट करूंगा प्रवीण जी की इसमें आइए और एक बार रिव्यू करिए.